हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 21 ऑफ थर्ड क्लास ईवीएस। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 21 फैमिलीज कैन बी डिफरेंट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर 5? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है, जब आप आवश्यक संख्या के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं तो आपको कैसा लगा और क्यों? जब आप आवश्यक संख्या के समूह में शामिल हो सकते हैं तो आपको कैसा लगा क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, इट फील्स ग्रेट टू ज्वाइन अ ग्रुप एंड बिकम इट्स मेंबर। किसी समूह से जुड़ना और उसका सदस्य बनना, उसका मेंबर बनना। इट फील्स ग्रेट टू ज्वाइन अ ग्रुप एंड बिकम इट्स मेंबर। किसी ग्रुप में जुड़ना और उसका सदस्य बनना, और उसका सदस्य बनना। इट एश्योर्स मी दैट आई एम स्टिल पार्ट ऑफ द गेम्स दैट इज बीइंग प्लेड। बहुत अच्छा लगता है, यह मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं अभी भी उस खेल का हिस्सा हूँ जो खेला जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा इसको। इट फील्स ग्रेट टू ज्वाइन अ ग्रुप एंड बिकम इट्स मेंबर। किसी ग्रुप में जुड़ना और उसका सदस्य बनना बहुत अच्छा लगता है। इट अश्योर्स मी दैट आई एम स्टिल पार्ट ऑफ द गेम दैट इज बीइंग प्लेड। यह मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं अभी भी उस खेल का हिस्सा हूँ, अभी भी उस गेम का हिस्सा हूँ जो खेला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप 5? यदि आप किसी समूह में शामिल नहीं हो पाए, व्हाई डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप? यदि आप किसी समूह में शामिल नहीं हो पाए तो आप कैसा लगेगा क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, आई वुड फील बैड एनी अलोन इफ आई मिस्ड ज्वाइनिंग एनी ग्रुप एज आई हैव लिव द गेम। मैं बुरा और अकेला महसूस करूंगा। आई वुड फील बैड एंड अलोन, मैं बुरा और अकेला महसूस करूंगा अगर मुझे किसी भी ग्रुप से जुड़ने की याद आती है, अगर मुझे किसी भी ग्रुप या समूह से जुड़ने की याद आती है, क्योंकि मुझे खेल छोड़ना है, क्योंकि मुझे आई हैव टू लीव द गेम, क्योंकि मुझे खेल छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू लाइक टू बी विथ पीपल? क्या आप लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? क्या आप लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, यस आई लाइक टू बी विद पीपल एंड मेक न्यू फ्रेंड्स एवरी नाउ एंड देन। हाँ, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। हाँ, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है और मैं हर नए दोस्त से बनाता हूँ। यस आई लाइक टू बी विद पीपल एंड मेक न्यू फ्रेंड्स एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विथ हुम डू यू लाइक टू बी मोर? क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया है, आप किसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन है, आप किसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई सिस्टर एंड फ्रेंड्स। मुझे अपनी बहन और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई सिस्टर एंड फ्रेंड। मुझे अपनी बहन और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज डेट हैड टू बी अलाउन? क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है, अगर आपको हमेशा अकेले रहना पसंद
रहना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील करेंगे? हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? अगर आपको हमेशा अकेला रहना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे? इसका आंसर आ जाएगा आई वुड फील अलोन लोनली एंड सैड इफ आई ऑलवेज नीड टू बी अलोन। अगर मैं हमेशा अकेला रहना चाहता हूँ तो मैं अकेला और कैसा महसूस करूँगा? उदास महसूस करूँगा, ठीक है। आई वुड फील लोनली एंड सैड इफ आई ऑलवेज नीड टू बी अलोन, ठीक है। अगर मैं हमेशा अकेला रहना चाहता हूँ तो मैं अकेला और उदास महसूस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है ये लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है। इसका आंसर आ जाएगा गर्लिन एंड नेगरजन आर पेरेंट्स टू तानिया एंड समर। तानिया एंड समर आर सेबलिंग्स। गर्लिन और नागार्जुन तानिया और समर के पेरेंट्स हैं, ठीक है। तानिया और समर के पेरेंट्स हैं, तानिया और समर भाई बहन है। तानिया एंड समर आर सिब्लिंग्स, ठीक है। तानिया और समर भाई बहन है। गर्लिन और नागार्जुन तानिया और समर के पेरेंट्स हैं और तानिया और समर भाई बहन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑल आर डियर इन सीताम्स फैमिली। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि सीताम्मा के परिवार को में सभी कौन है। हु ऑल आर डियर इन सीताम्मा फैमिली, सीताम्मा के परिवार में सभी कौन है। इसका आंसर आएगा सीताम्मास फैमिली आर द फॉलोइंग मेंबर्स। सीताम्बा के परिवार में फॉलोइंग मेंबर्स है, ठीक है। सीताम्बास हर फादर्स मदर्स एंड यंग सिस्टर गीताम्मा। सीताम्बा उनके पिता माँ और छोटी बहन सीताम्मा और छोटी बहन सीताम्बा, दादा दादी इल्डर्स चाचा एंड चाची यंगर चाचा बुआ ताऊजी एंड हिज थ्री चिल्ड्रंस। दादा दादी बड़े चाचा और चाची छोटे चाचा बुआ ताऊजी और उनके तीन बच्चे एंड हिज थ्री चिल्ड्रन और उनके तीन बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट में क्या बताया गया है, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परिवार के विभिन्न लोगों के बीच संबंध कैसे हैं। डिफरेंट पीपल इन द फैमिली, परिवार के विभिन्न लोगों के बीच संबंध कैसे है। बिटवीन मीन्स होता है के बीच, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा सीताम्बास फादर्स ताउजी इल्डर्स चाचा एंड यंग चाचा आर योर ब्रदर्स एंड हैव वन सिस्टर्स। सीताम्मा के पिता ताउजी बड़े चाचा और छोटे चाचा भाई है और उनकी एक बहन, ठीक है, उनकी एक बहन है। बुआ ताउजी इज द इल्डर्स ब्रदर्स अमंग ऑल फाइव सिब्लिंग्स। बुआ है सभी पांच भाई बहन में ताऊजी सबसे बड़े है। सभी पांच भाई बहन में ताऊजी सबसे बड़े है। ही इज इल्डर समय फादर्स इल्डर चाचा इज यंगर टू हर फादर्स एंड इल्डर टू यंगर चाचा दादा एंड दादी आर दियर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टू सीताम्मा गीताम्मा एंड ताऊजी थ्री चिल्ड्रन। सीताम्मास मदर्स एंड इल्डर्स चाची आर्श को सिस्टर्स। ताऊजी सबसे बड़े हैं, वह सीताराम के पिता से बड़ा है, वह सीताम्बा के पिता से बड़ा है। बड़ा चाचा अपने पिता से छोटा है, बड़े चाचा अपने पिता से छोटा है और छोटा चाचा से बड़ा है। सीताम्मा गीताम्मा और ताऊजी के तीन बच्चे पैदा हुए
और दादी उनकी माता पिता और दादा दादी है। सीतामा की माँ और बड़ी चाची सह बहने हैं। सीतामा की मदर एंड एल्डर्स चाची आर को सिस्टर्स, ठीक है। सीतामा की माँ और बड़ी चाची सह बहने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन द लास्ट वन ईयर व्हाट आर द चेंज दैट हैपेंड इन द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है, पिछले 1 साल में, पिछले 1 ईयर में फैमिली में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं। इसका आंसर आ जाएगा, इन द पोस्ट ऑन ईयर्स ताइजी पास अवे एंड एल्डर चाचा रिसेंटली गॉट मैरिड। पिछले 1 साल में ताइजी का निधन हो गया, ठीक है। ताइजी पास अवे एंड बड़े चाचा ने हाल ही में शादी कर ली, और एल्डर्स चाचा ने हाल ही में शादी कर ली है पिछले 1 साल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु टेक्स केयर ऑफ तारा, तारा की देखभाल कौन करता है। हु टेक्स केयर ऑफ तारा, तारा की देखभाल कौन करता है, कैसे। इसका आंसर आ जाएगा, व्हेन तारा रिटर्न फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। जब तारा स्कूल से लौटती है, जब तारा स्कूल से लौटती है तो उसके नाना उसकी देखभाल करता है। ही इज द वन हु फीड्स हर, हेल्प हर टू डू होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेस विथ हर। वह है जो उसे खिलाती हैं, उसे होमवर्क करने में मदद करती हैं और उसके साथ खेलती है, और उसके साथ खेलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु आर द थिंग्स द फैमिली मेंबर्स डू टूगेदर। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया क्वेश्चन है, परिवार के सदस्य एक साथ क्या करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेंबर टू टुगेदर। परिवार के सदस्य एक साथ क्या करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, ड्यूरिंग वेकेशंस तारा हर अम्मा एंड नाना गो टू फार ऑफ प्लेस एंड एंजॉय देम सेल्फ। तारा की छुट्टियों के दौरान उसकी अम्मा और नाना दूर के स्थानों पर जाते हैं और खुद का आनंद लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑल आर देयर इन हिज फैमिली। इस परिवार में सभी कौन है। इसका आंसर आ जाएगा, देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली, सारा, हबीब एंड हबीब अब्बू। परिवार में 3 सदस्य हैं, देयर आर 3 मेंबर्स। परिवार में 3 सदस्य हैं, सारा, हबीब और हबीब का अब्बू, ठीक है।